दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुए हैं और उनका लगभग कॉलेज का क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो अपना प्रिपरेशन का वीडियो बनाया था तो लगभग सारे ब्रांच का प्रिपरेशन का वीडियो मैं बना दिया और उसमें सिलेबस भी आपको मैंने बताया कि ये सिलेबस है। और दोस्तों बुक्स वगैरह के बारे में भी मैंने बताया कि आपको कौन से बुक्स लेने चाहिए, फिजिक्स का कौन सा बुक है, मैथ का कौन सा बुक है। तो दोस्तों अब दिक्कत स्टूडेंट को ये हो रही है कि उनको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सिलेबस का जो PDF है वो नहीं मिल पा रहा है, बुक्स वगैरह है वो नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अब बुक्स में राइटर की दिक्कत हो रही है तो एडिशन की दिक्कत हो रही है, तो ये सब मतलब डॉट्स है वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल और मैकेनिकल को टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दोस्तों इसमें से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और BEE पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो दोस्तों ये टोटल 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना होता है। दोस्तों भले ही कुछ टॉपिक होते हैं जो सिलेबस का जो डिफरेंट होते हैं पर मतलब ज़्यादातर मैच करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है, BEE है, वो दोनों मैच ही करेंगे। मैथ में भी थोड़ा टॉपिक मैच करेगा, फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर बुक है वो एक ही सारे बुक्स है, मतलब सारे ब्रांच के लिए एक ही बुक्स है जिससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये बात बोलते हैं कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग का एक बुक बता दीजिए जिससे मेरा सिविल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन हो जाए, तो ऐसा ब्रांच वाइज बुक नहीं आता है, बुक सब्जेक्ट वाइज आता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक्स होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें कौन से बुक्स लेने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक्स है वो एनडी भट्ट, ये राइटर का नाम है, एनडी भट्ट का बुक है और जो इसका एडिशन देख सकते हैं, न्यू एडिशन लेना चाहते तो 52वां एडिशन आ गया है और इतने में मतलब आपको ले सकते हैं ये वाली बुक, या फिर आप पुराने बुक लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप PDF आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर जो न्यू बुक लेना चाहते तो आप राइटर का नाम याद रखें एनडी भट्ट, एडिशन कोई सा हो, मतलब 2-4 साल पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डिजाइन। दोस्तों ये बुक आपको लाइब्रेरी में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इसका जो पब्लिकेशन देख सकते हैं वो इसका पब्लिकेशन यहाँ पे दिखाया रहेगा नीचे में, दोस्तों यहाँ पे पिक्चर पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। और ये बुक इसका सरफेस ऐसा ही है और आप यहाँ मतलब लाइब्रेरी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दोस्तों अब फिजिक्स के बुक है वो देख सकते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक बुक है, वो इस टाइप का सरफेस इसका दिखता है कवर पेज, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो इसका पब्लिकेशन है वो आप देख सकते हैं एस चंद का है और जो लिखे हैं बुक इनका राइटर यहाँ पे दिया गया है राइटर का नाम, तो इस टाइप का बुक अगर दिखे तो ये आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का बुक है और इसे आप चाहे तो लाइब्रेरी से ले सकते या फिर ऑनलाइन खरीद सकते। दोस्तों और जो मैथ का बुक की बात करें तो मैथ का बुक ये BS ग्रेवाल का बुक आता है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये BS ग्रेवाल इसका जो देख सकते हैं यहाँ पे राइटर का नाम दिया गया है BS ग्रेवाल। और दोस्तों इसका जो एडिशन है वो 44वां एडिशन चल रहा है तो आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। और हम पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिकेशन यहाँ खन्ना पब्लिकेशन की है। दोस्तों उसके बाद में एक और जो मैथ की बुक चल रही है अभी इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स है वो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और इसका जो राइटर है वो HK दास का बुक है और एस चंद इसके जो पब्लिकेशन से वो है। तो दोस्तों मतलब दोनों बुक्स हैं जो मैथ के अच्छे हैं, आपको जो मन हो वो बनाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अच्छे बुक हैं, पर ज़्यादातर अभी मतलब जो चल रहा है कॉलेज में फॉर्मेलिटी वो ये BS ग्रेवाल की बुक पे को लेकर चल रही है, तो आप यहीं खरीदें ताकि आपको कोई दिक्कत ना होना पड़े। दोस्तों उसके बाद में एक और जो बुक है अभी BEE का, तो BEE का बुक आपको BL थरेजा राइटर का है और इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इसका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE का है। तो दोस्तों इसका जो राइटर है वो BL थरेजा है और ये जो एस चंद इसके जो पब्लिकेशन है वो है। दोस्तों यहाँ आप देखिए आपको यहाँ लिंक है, जो सिलेबस का लिंक आपको PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है,
आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करेंगे और उसे क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे तो आपको मतलब मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और चाहे तो आप प्रिंट आउट करवा कर अपने पास रखें ताकि मतलब सिलेबस देख कर पढ़ाई करने में सहूलियत हो। और ऐसे फ़ोन में भी आपका रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSE और IT डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में EEE, EEE और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इन सबको टोटल 5 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं PPS पढ़ना है, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद में एक इंग्लिश पढ़ना होता है। तो दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर में इन्हें करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बुक की बात करते हैं, तो बुक में हमें यशवंत कनिटकर का जो सी लैंग्वेज का बुक है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग PPS सब्जेक्ट का। तो दोस्तों ये यशवंत कनिटकर का बुक आप देख सकते हैं, इस तरह का नो न्यू कवर पेज है वो है, और इसका जो एडिशन है वो टोटल 17th एडिशन चल रहा है अभी। और दोस्तों इसी का जो पैरेलल में एक सॉल्यूशन का, यानी इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और जो बुक है वो इस टाइप का है। दोस्तों उसके बाद में हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स का बुक दोनों ब्रांच के लिए लगभग सेम ही सारे ब्रांच में चलते हैं, तो ये बुक आप ले लेंगे तो मतलब सारे ब्रांच के लिए कवर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में वर्कशॉप की बात करें, तो वर्कशॉप में जो बुक चलती है वो आप बुक देख सकते हैं, ये यशचंद का बुक है पब्लिकेशंस का, तो ये बुक आपका वर्कशॉप के लिए लाइब्रेरी में ही मिल जाएगा और फिर आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। उसके बाद में एक केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो दोस्तों इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो एडिशन है वो 17th एडिशन का आपको जैन एंड जैन राइटर का बुक मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या इसका जो पब्लिकेशन वो देख सकते हैं, धनपत राय पब्लिशिंग कंपनी है इसका दोस्तों। और एक जो लास्ट रह गई इंग्लिश का, तो दोस्तों इंग्लिश का बुक आप चाहे तो आपके पास ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश हो, ग्रामर सीनियर वाला, तो वो भी आपका काम कर जाएगा, लूसेंट का हो तो वो भी काम कर जाएगा। मतलब कोई हायर स्कूल का इंग्लिश ग्रामर का बुक आपके पास है तो आपको इंग्लिश का बुक नहीं खरीदना है, मतलब उससे प्रिपरेशन आपका हो जाएगा दोस्तों। और हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस चाहे वो CSE डिपार्टमेंट का हो या फिर EEE, EEE इसी ब्रांच का हो, तो सबका सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सारे जिनको मतलब डाउनलोड करना है वो अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और वो सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो